हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोल्स एंड जीरोस ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसमें हम मल्टीपल पोल्स, मल्टीपल जीरोस, सिंपल पोल, सिंपल जीरोस एंड प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पोल्स एंड जीरोस। पोल्स एंड जीरोस ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन, ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए हमने यहाँ पे GS से रिप्रेजेंट किया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, GS इक्वल टू AS बाई BS। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, तभी हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर में अगर हम देखें यहाँ पे के, के क्या डिनोट करता है, गेन फैक्टर को। ओके, के एस माइनस एस वन, एस माइनस एस वन, एस माइनस एस टू, डैश डैश एस माइनस एस एन डिवाइडेड बाय एस माइनस एस ए, एस माइनस एस ए, एस माइनस एस बी, डैश डैश एस माइनस एस एम। ओके, तो के हमारा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, गेन फैक्टर को, गेन फैक्टर। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है जीरोस को। तो ये एन जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगा जीरोस को। एम, ये हमारा जो एम रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोल्स को। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करेंगे अगर हम यहाँ पे S की जगह S1 पुट करते हैं। ठीक है, तो S की जगह S1 पुट करने पे क्या होगा, ये हमारा पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से कह रहे हैं कि S माइनस एस ए है, यहाँ पे S की जगह एस ए पुट कर दें तो ये पार्ट हो जाएगा जीरो। तो ये टोटल हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी जिस पोल पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी होगा वो कहलाएगा हमारा पोल। जिस पॉइंट पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया है उसी को थियोरी फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, इन द ट्रांसफर फंक्शन, इन द ट्रांसफर फंक्शन इफ एस इज पुट, एस इज पुट इक्वल टू, इक्वल टू एस ए, एस बी या एस एम। ठीक है, एस की जगह यहाँ पे नीचे कहीं भी एस ए, एस बी, एस एम कुछ भी अगर हम पुट कर दें, ओके, तो क्या होगा, देन द ट्रांसफर फंक्शन is infinity। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे s की जगह s a पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, s a माइनस s a जीरो हो जाएगा, तो वन बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। या यहाँ पे s की जगह s b पुट कर दें, कोई एक भी जगह सेम वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वन बाई जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है,
पहली बात हो गई। तो ये हमारा क्या है, पोल है। अब यहाँ पे अगर बात करें एस की जगह S1, S2, SN कुछ भी अगर हम पुट कर दें, इन द ट्रांसफर फंक्शन इफ S इज पुट इक्वल टू S1, S2, SN कुछ भी पुट कर दें, S1, S2, SN इसके बीच में कुछ भी पुट कर दें, देन द ट्रांसफर फंक्शन इज जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे S1 अगर पुट कर दें तो S1 माइनस S1 क्या होगा, जीरो होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसी को जब हमारा अगर ट्रांसफर फंक्शन पुट करने पे इन्फिनिटी आता है, तो जिस पॉइंट पे पुट करने पे इन्फिनिटी आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ये है इसी को हम कहेंगे पोल, क्योंकि इस पॉइंट के पुट करने पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी आ रहा है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जीरोस, क्योंकि इसके पुट करने पे यहाँ पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे जीरोस। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि हम मल्टीपल पोल्स एंड मल्टीपल जीरोस की बात करेंगे, मल्टीपल पोल्स एंड मल्टीपल जीरोस, मल्टीपल जीरोस। तो मल्टीपल पोल एंड मल्टीपल जीरोस कब होगा, जब भी हमारा पोल, ओके, पोल कोइंसाइड कर जाए या फिर हमारा जीरोस कोइंसाइड कर जाए। ओके, कोइंसाइड का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए -1 पॉइंट है कोई, उस पे हमारे दो पोल आ गए, तो क्या हुआ, -1 पॉइंट पे दो पोल कोइंसाइड कर गए, तो क्या होंगे, मल्टीपल पोल कहलाएंगे। या फिर -1 पे दो जीरोस हमारे क्या करें, -1 पे ही दोनों जीरोस आ गए, तो वो क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे मल्टीपल जीरोस होंगे। ओके, तो इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, द पोल The poles SA, SB, SB, SM or the zeros S1, S2, SN. Okay? ये क्या है, या ये क्या हो सकते हैं, या रियल हो सकते हैं हमारे पोल, या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, आर आइदर रियल, आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे पोल या जीरोस क्या, या तो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल का मतलब क्या है, -1, -2, -3, इस तरीके से रियल है, तो हमारे पोल और जीरोस दोनों इस टाइप से भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, हमारा जैसे कि 1+2j फॉर्म में हो सकते हैं, 1+3j, 2+3j इस टाइप के फॉर्म में, तो वो भी पॉसिबल है, हमारे पोल और जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स पोल्स, कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस। ओके, अब ये क्या करेंगे, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ओके, ऑलवेज अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर्स,
कॉन्जुगेट पेयर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जो हमने समझाया है? इट इज पॉसिबल दैट either poles or zero, may coincide okay कोइंसाइड कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है माइनस वन, उस पर क्या है दो पोल कोइंसाइड कर गए, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे मल्टीपल पोल कहलाएंगे। या फिर माइनस वन पे दो जीरोस उसी पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर गए, तो क्या कहलाएंगे? मल्टीपल जीरोस कहलाएंगे। तो सच पोल्स और जीरोस आर कॉल्ड मल्टीपल पोल्स और मल्टीपल जीरोस। ओके, ये तो बात हो गई मल्टीपल पोल्स एंड मल्टीपल जीरोस की। ओके, इसी तरीके से हम बात करेंगे सिंपल पोल एंड सिंपल जीरोस की। तो पेज चेंज कर लेते हैं। सिंपल पोल का क्या मतलब हुआ कि वो हमारे जो पोल हैं वो कोइंसाइड ना करें, ठीक है? तो वो हमारे पोल क्या कहलाएंगे? सिंपल पोल कहलाएंगे। या फिर जो हमारे जीरोस हैं वो हमारे जीरोस अगर कोइंसाइड ना करें तो वो क्या कहलाएंगे? सिंपल जीरोस कहलाएंगे। ओके, तो हेडिंग डालते हैं सिंपल पोल्स एंड सिंपल जीरोस। ठीक है, सिंपल पोल एंड सिंपल जीरोस। तो हमने बात करी कि सिंपल पोल क्या है, जो हमारे कोइंसाइड ना करें वो सिंपल पोल या उसको सिंपल जीरोस बोलेंगे। नॉन कोइंसाइडिंग पोल्स और जीरोस और जीरोस आर कॉल्ड सिंपल पोल और सिंपल पोल्स और सिंपल जीरोस। ओके, तो ये बात हो गई सिंपल पोल एंड सिंपल जीरोस की। अब अगर बात करें यहाँ पे, हमने इनको क्या बोला था? इन हमारा है जीरोस, ठीक है? एम को हमने क्या बोला था? पोल्स। रीजन भी बताया। ओके, इन हमारा क्या है? जीरोस है। जीरोस क्या है? हमारे ऊपर साइड में यहाँ जीरोस रहता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रहता है? हमारा पोल रहता है। तो न्यूमरेटर, इसको चाहे हम यहाँ इसको न्यूमरेटर बोल दें या फिर जीरोस बोल दें, इसको हम क्या डिनोमिनेटर बोल दें या फिर पोल्स बोल दें, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर हमारा जीरोस या फिर न्यूमरेटर ग्रेटर हो, ओके, एन ग्रेटर हो एम से, मींस जीरो हमारे ग्रेटर हो पोल से, ओके, देन ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है फॉर एस इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक साइड में एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन है हमारा कुछ इस तरीके से s³ / s² ओके, इस टाइप से हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो अब इसमें देखिए ये हमारा क्या कहला रहा है, जीरोस, और ये ऊपर में हमारा क्या होता है, जीरोस होता है, तो इसका ऑर्डर ज़्यादा है। ये हमारा m पोल्स है, डिनोमिनेटर में होता है, इसका ऑर्डर क्या है, इससे कम है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि n का ऑर्डर जो है n से ग्रेटर है, n का ऑर्डर ग्रेटर है m से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर s³ / s² × s³ लिख सकते हैं, ओके, s² से s² कैंसिल करा दें, तो बचेगा यहाँ ट्रांसफर फंक्शन में क्या, s बचेगा। अब अगर हम s की जगह इन्फिनिटी अगर पुट कर दें तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यही स्टेटमेंट में लिखना है, यही चीज़ बताना है कि अगर हमारा जीरोस ग्रेटर हो पोल्स से, देन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज फाउंड टू बी इन्फिनिटी फॉर s = ∞, ठीक है। तो s = ∞ रखने पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। कब हो रहा है, जब हमारा जीरोस ग्रेटर है पोल से, ठीक है। जीरोस मतलब कि न्यूमरेटर का ऑर्डर हमारा ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये होगा। अगर दूसरी कंडीशन, अगर हमारा n लेस देन है m से, मीन्स क्या है कि हमारा पोल ग्रेटर है जीरो से, ओके, पोल कह सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, अब क्या होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन, एक एग्जांपल और लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए हमारा है कुछ इस तरीके से s² / s³। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोल, पोल का मतलब क्या है, m, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ग्रेटर है इसके न्यूमरेटर से, ओके। तो अब यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से लिखें s² / s² × s लिख सकते हैं इसको, s³ को s² × s लिख सकते हैं, s² से s² कैंसिल करा दें, तो 1/s बचेगा यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन में। अब अगर यहाँ पे s की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये वाली वैल्यूज क्या होगी, 1/∞ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मीन्स ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। इसी को यहाँ पर लिखना है, देन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज फाउंड टू बी जीरो फॉर s = ∞। s = ∞ पुट करने पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। कंडीशन क्या है, हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए न्यूमिनेटर से, ओके, मीन्स डिनोमिनेटर की हमारी जो पावर है वो हमारी न्यूमिनेटर से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा पोल ज़्यादा होना चाहिए जीरो से, क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी दो कंडीशंस, ठीक है। एक बार जब हमारा जीरोज ग्रेटर हो पोल से, एक बार पोल ग्रेटर हो जीरोज से, ओके। अब बात करते हैं रेशनल ट्रांसफर फंक्शन की, ओके। रेशनल ट्रांसफर फंक्शन किसको बोलते हैं, जब हमारे जो जीरोज हैं वो हमारे इक्वल हों किसके, पोल्स के, पोल्स के बराबर आ जाएं, ओके, तब वो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन क्या क्या कहलाएगा, रेशनल ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा, ओके। फॉर रेशनल ट्रांसफर फंक्शन द टोटल नंबर ऑफ जीरोज
टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेशनल ट्रांसफर फंक्शन, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीरोज एंड टोटल नंबर ऑफ पोल्स इक्वल हो, तो वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा रेशनल ट्रांसफर फंक्शन। ओके, अब यहां से एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे एक एग्जांपल देखेंगे। यहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जी एस इक्वल टू एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस टू एस प्लस वन प्लस थ्री जे एस प्लस वन माइनस थ्री जे। ओके, ये हमारा है ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस। अगर जहां पे दिखे जीएस का क्या मतलब है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्यों ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये भी हमने बताया था कि मान लीजिए यहां पे हमारे इनपुट दिया हुआ है। ओके, ये हमारा सीएस क्या है, आउटपुट। फीडबैक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जीएस ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जीएस सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब है हमारा ओपन लूप है। और ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ट्रांसफर फंक्शन है, और ये जीएस दिया हुआ है, इसलिए क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्लियर है। अब इसमें हम बात करेंगे पोल एंड जीरोस की। ओके, पोल की अगर बात करें तो ये हमारे नीचे जितने भी हैं ये हमारे पोल कहलाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करें एस ए, इस वाले की बात करें तो एस ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू होगा। ओके, उसके बाद एस बी क्या होगा, माइनस वन माइनस थ्री जी होगा। एस सी क्या होगा, माइनस वन प्लस थ्री जी होगा, ये हमारे पोल होंगे। एस प्लस टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एस ए इक्वल टू माइनस टू। ये इस तरीके से हमने एस प्लस टू था इसको एस ए लिख दिया कि मीन्स सब अलग अलग हमें पता चले। ठीक है, ये वाला ट्रांस। अब क्या है कि यहाँ पे जीरोस की बात कर लें तो ये क्या कहलाएंगे, एस वन इक्वल टू माइनस थ्री। ओके, तो ये हमारे जीरोज हैं, इस पॉइंट पे हमारे पोल हैं, इस पॉइंट पे हमारे जीरोज हैं। अगर इसकी प्लॉटिंग हम करें यहां पे, ओके, तो ये हमारा क्या है, प्लस जे ओमेगा एक्सिस है, ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है, प्लस सिग्मा। अब यहां पे एक पोल कहां है, माइनस टू पे है, ये डिनोमिनेटर वाला पोल है, ये याद रखेंगे। ओके, क्योंकि पोल कैसे हमें पता करना है, पोल है कैसे है, तो अगर हम एस की जगह माइनस टू पुट कर दें तो माइनस टू जैसे ही पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वन टोटल अपॉन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी, जिस पॉइंट पर ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी होता है वो पॉइंट हमारा पोल कहलाता है, तो इसलिए ये सब पोल हमारे कहलाएंगे। तो एस प्लस टू है तो ये यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस टू कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, माइनस वन माइनस थ्री जे, माइनस वन कहीं यहाँ पे होगा, माइनस थ्री जे कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे माइनस थ्री जे होगा। ओके, तो माइनस वन माइनस थ्री जे, तो इस पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे एक पोल आएगा।
ठीक है, ये वाले पॉइंट पे एक पोल आएगा, माइनस वन प्लस थ्री जे, माइनस वन प्लस थ्री जे, मान लीजिए थ्री जे अगर कहीं यहाँ होगा, थ्री जे, तो ये हमारा यहाँ पे एक पोल होगा, ओके, एक यहाँ पोल है, एक यहाँ पोल है, ठीक है। जीरोस कहाँ है, जीरोस है माइनस थ्री पे, माइनस थ्री पे ये हमारा है जीरोस। क्रॉस जो है ये क्या कहलाता है, रिप्रेजेंट पोल, ठीक है, ये हमारा क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा पोल को, ये जीरो रिप्रेजेंट करेगा जीरोस को, ओके। ये हो गया, हमने प्लॉटिंग कैसे करनी है उसकी बात कर दी। जो जो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स पॉइंट होंगे, सबको यहाँ पे किस तरीके से प्लॉटिंग करनी है, ओके। जैसे माइनस वन माइनस थ्री जे था, माइनस वन यहाँ लिखा, माइनस थ्री जे कहाँ होगा, कहीं इस जगह होगा, इस लाइन पे माइनस थ्री जे था, तो माइनस थ्री जे की लाइन को आगे एक्सटेंड किया, माइनस वन की लाइन को नीचे एक्सटेंड किया, जो पॉइंट पे कट किया वो हमारा क्या कहलाया, पोल कहलाया। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या कहलाया, पोल कहलाया। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट सिमेट्री है, ठीक है। ये क्या है, माइनस वन माइनस थ्री जे है, माइनस वन प्लस थ्री जे है, ये क्या है, आपस में कॉन्जुगेट सिमेट्री है, क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी पोल जीरो प्लॉटिंग के लिए, ओके। अब बात करेंगे प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन की, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब हुआ, एक तो होता है स्ट्रिक्टली प्रॉपर, ओके, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जी एस इक्वल टू ये वाला था, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरोस है, कितने हैं, एक है, पोल कितने हैं, वन टू थ्री, मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है, या कहते हैं पोल हमारा, नंबर ऑफ पोल ज़्यादा है नंबर ऑफ जीरोस से, ठीक है। अगर हमारे पोल ज़्यादा है नंबर ऑफ जीरोस से, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली प्रॉपर कहते हैं, ओके। यहाँ पे लिख लेंगे, इफ m ग्रेटर देन n, m ये हमारा पोल को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, और जीरोस को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमारा पोल जीरोस से ग्रेटर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इफ m ग्रेटर देन n देन ट्रांसफर फंक्शन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली प्रॉपर, स्ट्रिक्टली प्रॉपर, ओके। अगर हमारा m मीन्स पोल जीरोस के बराबर हैं, ओके, देन ट्रांसफर फंक्शन is said to be proper, ठीक है, दो कंडीशन है। थर्ड है, अगर हमारा पोल लेस है जीरो से, देन ट्रांसफर फंक्शन इज सेट टू बी इम्प्रॉपर, ओके। तो अगर हमारा ये पोल कम है, पोल कम है जीरो से, तो वो इम्प्रॉपर है। इसका रीजन ये भी है कि आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर
कम है, न्यूमरेटर से, ओके, मींस पोल कम है जीरो से, तो वो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, वो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। जिसमें हमारे पोल कम हो जीरो से तो वो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि अगर हमारा पोल जीरो से कम है तो ट्रांसफर फंक्शन इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल में चला जाता है, इसलिए इम्प्रॉपर है। और प्रॉपर या स्ट्रिक्टली प्रॉपर इसलिए कहा क्योंकि जब m मीन्स हमारा पोल ग्रेटर है जीरो से तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो हमारा स्टेबल कंडीशन में होता है। जब हमारे डिनोमिनेटर या फिर पोल ग्रेटर हो न्यूमिनेटर या फिर जीरो से तो उसको हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन, ठीक है। या ये वाला पोर्शन हमारा ग्रेटर हो जीरो से, ओके, या फिर उसके इक्वल हो, या स्ट्रिक्टली प्रॉपर या फिर प्रॉपर, इसी को हम कहते हैं स्टेबल। ये जब हम स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे होगा स्टेबिलिटी में, तो ये चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर क्यों कहा जा रहा है। इम्प्रॉपर इसलिए कहा जा रहा क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब राउत हर्बिट्स क्राइटेरियन और ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी तो वहाँ पे कैसे स्टेबल हो रहा है, कैसे अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। और फिर हम जब पोलर प्लॉट में पहुँचेंगे तो वो पोल जीरो किस तरीके से चेंज करने से सिस्टम हमारा स्टेबल हो रहा है, किस तरीके से अनस्टेबल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम फिर पोलर प्लॉट में वहाँ पे देखेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।